इन दिस से वेरी फेमस केस ऑन कंपनी लो दस इज सोलोम आप किसी भी लेवल पर कंपनी लो पढ़ रहे हैं तो ये केस आपको जरूर पढ़ना चाहिए और इसमें से क्वेश्चन बेटा सकते हैं एग्जाम के अंदर तो ध्यान से आपने सुनना है आपने पहले भी हो सकता है कि पढ़ा हो इस केस के बारे में कहीं ना कहीं लेकिन आज एक नए परस्पेक्टिव से हम इस केस को पढ़ेंगे इस केस के बारे में जो कंप्लीट फैक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ठीक है और इन फैक्ट्स को आप नोट करेंगे और कोर्ट के डिसीजन को भी नोट करेंगे कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया आइए इसके ऊपर हम आज की चर्चा करने वाले हैं राइट right. तो केस का नाम है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ये वो केस था जब इंटरनेशनल लेवल पर लोगों ने पहली बार कंपनी के कंसेप्ट को समझा कंपनी के बारे में जो भी थियोरिटिकल बातें थी जो भी लोग समझ रहे थे कि कंपनी ये होती है तो पहली बार लोगों ने जाना कि एक्चुअली कंपनी किस चिड़िया का नाम है शाबाश बेटा इन द केस ऑफ सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड हैज क्लियरली एस्टेब्लिश The principle that once a company has been validly constituted under the Companies Act, it becomes a legal person distinct from its members. And for this purpose, it is immaterial whether any member holds a large or small proportion of the shares and whether he holds those shares as beneficial or as mere trustee. So actually, problem yet case. case ke under, कि हुआ क्या था कि एक बिजनेस था और उस बिजनेस में क्या प्रॉब्लम थी मैं ये आपको बताता हूं ब्रीफ में बताता हूं कोशिश करता हूं क्या है बेटा इस केस को समझने की अब कंपनी की जो बैलेंस शीट थी वो ये दिखा रही थी कि एक शेयर होल्डर मोर देन 90 मोर देन अगर एक पर्सन शेयर कैपिटल का ठीक है अब शेयर कैपिटल में मोर देन नाइंटी फाइव परसेंट मोर देन यू कैन से नाइन्टी नाइन परसेंट शेयर्स अगर एक आदमी होल्ड कर रहा है और फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वन परसेंट शेयर बाकी सभी होल्ड कर रहे हैं तो क्या इस कंपनी को जो पर्सन 99 परसेंट शेयर होल्ड करता है क्या उससे अलग माना जाना चाहिए आप पढ़ते हैं कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अब इस केस में बहस ये थी मुद्दा ये था कि अगर एक कंपनी अपेरेंटली एंटायर शेयर कैपिटल होल्ड करता है तो क्या कंपनी और उस पर्सन के बीच में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए

अब जो जो बातें मैं यूज़ कर रहा हूँ अगर आपके जो भी बात समझ में नहीं आ रही है आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे इस केस का कोई भी सेंटेंस अगर आपको समझ में नहीं आया मेरा व्हाट्सएप नंबर आप जानते हैं बेटा पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पा रहा था लेकिन अभी आप वाट्सएप दोबारा से मैं यूज़ करने लगा हूं आप ध्यान से इसको सुनेंगे बेटा शाबाश और कोई भी केस, इस, आ, कोई भी पॉइंट है बेटा इसका तो आप मुझसे अच्छे से समझेंगे बेटा इस बात को राइट right? तो आप ध्यान से मेरी बात को नोट करेंगे बेटा शाबाश बेटा

ठीक है ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए ठीक है कंपनी इज अ ऑब्जेक्टिव ये है साबित ये करेंगे हम इस केस को पढ़कर कि कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स ही फोम्ड अ लिमिटेड कंपनी कंसिस्टिंग हिमसेल्फ उसने एक लिमिटेड कंपनी बनाई उसमें कौन कौन था एक तो सोलोमन खुद था एक उसकी वाइफ थी एक उसकी डॉटर थी और चार उसके बेटे थे ठीक है ही फोर्म्ड अ लिमिटेड कंपनी उसने एक लिमिटेड कंपनी बना ली

थी सोलोमन सोल्ड हिज बिजनेस विच वॉज परफेक्टली सोलवेंट एट दैट टाइम टू द कंपनी फोर्म बाय हिम फॉर द सम ठीक है बेटा पाउंड थर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी टू इतने रुपए में सोलोमन ने कंपनी सोलोमन कंपनी को सोलोमन एक एंटरप्रेन्योर ने सोलोमन कंपनी को अपना बिजनेस बेच दिया द कंपनीज नोमिनल कैपिटल वाज द कंपनील कैपिटल वाज फोर्टी थाउजेंड इन पाउंड वन शेयर इच यानी चालीस हजार पाउंड कंपनी की कैपिटल थी और एक शेयर की कीमत थी वन पाउंड इन पार्ट पेमेंट ऑफ द परचेज मनी फॉर द बिजनेस सोल्ड टू द कंपनी ठीक है बेटा इन पार्ट पेमेंट ऑफ द परचेज मनी फॉर द बिजनेस सोल्ड टू द कंपनी डिबेंचर्स ऑफ द अमाउंट पाउंड टेन थाउजेंड सिक्योर्ड बाई फ्लोटिंग चार्ज ऑन द कंपनी एसेट्स वर इशूड टू सोलोमन हु हैड अप्लाइड for and received an allotment of 20000 uh, pound one fully paid up shares the remaining amount 8, 000, was paid to solomon in cash solomon was the managing director and two of his sons were other directors company soon ran into difficulties and the debenture holder appointed a receiver and the company went into liquidation total assets of the company amounted pound 6050 its liabilities were पाउंड टेन थाउजेंड सिक्योर्ड बाई डिवेंचर, पाउंड एट थाउजेंड ओइंग टू अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स होल ऑफ़ कंपनीज़ एसेट्स. आइए सर एक बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट में समझेंगे कि क्या क्या हुआ इसमें सोलोमन एक कंपनी चला रहा था और कंपनी की पोजीशन फाइनेंशियल पोजिशन क्या थी जो कंपनी ने सोलोमन कंपनी ने आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सोलोमन एज अ पर्सन सोलोमन ने अपना बिजनेस सोलोमन कंपनी को बेच दिया सोलोमन ने अपना बिजनेस सोलोमन कंपनी को बेच दिया सोलोमन ने क्या दिया सोलोमन सोल्ड हिज बूट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हिज बूट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सोलोमन ने क्या दिया उसका बूट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बेच दिया अब सोलोमन को बदले में क्या मिला ये बात समझने की है इस पैराग्राफ में हम समझेंगे शाबाश बेटा उसने लिमिटेड कंपनी बनाई जिसमें सात शेयर होल्डर्स थे एक शेयर सबके पास था सोलोमन सोल्ड इट बिजनेस विच वाज परफेक्टली सोल्वेंट एट दैट टाइम ठीक है और ये जो डील हुई वो हुई पाउंड थर्टी एट थाउ पाउंड थर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी टू में ये डील हुई अब ये इसकी पेमेंट सोलोमन को कैसी की गई बीस हजार के तो शेयर्स ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स एट द रेट पाउंड एट द रेट पाउंड वन ईच शेयर ठीक है एट द रेट पाउंड वन इचर द रिमेनिंग अमाउंट शाबाश और टेन थाउजेंड uh, का लोन कंपनी ने एज्यूम कर लिया यानी सालोमन सिक्योर्ड क्रेडिटर बन गया और पाउंड टेन थाउजेंड का उसने लोन कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया और सालोमन खुद सिक्योर्ड क्रेडिटर कंपनी का बन गया और बाकी जो बचा पाउंड हंड्रेड एट्टी टू ये सालोमन को कैश में दे दिया गया ठीक है तो अब तक की कहानी क्या समझी हमने एक बिजनेस क्रिएट किया गया उस बिजनेस में क्या हुआ कि एक, एक, एक बूट बनाने वाला पर्सन जो चमड़े का, का काम करता था उसने क्या किया एक कंपनी बनाई और कंपनी को सारा बिजनेस बेच दिया कंपनी ने उसे किस तरह से पेमेंट करी बीस हजार तो शेयर दे दिए पाउंड वन जिसकी कीमत थी पाउंड वन शेयर ईच दस हजार रुपये का लोन एक्सेप्ट कर लिया कंपनी ने जिसमें सोलोमन सिक्योर्ड क्रेडिटर बन गया और आठ हजार सात सौ बयासी पाउंड एट थाउजेंड पाउंड एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी टू ये कैश में उसको दे दिया गया ठीक है सर तो इस तरह से ये डील हुई ठीक है बेटा ये पैराग्राफ अच्छे से आप पॉज करके नोट कर लीजिए कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए आप द रिमेनिंग अमाउंट एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी टू वॉज पेड टू सोलोमन इन कैश सोलोमन वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर वर अदर डायरेक्टर्स ठीक है और जिस कंपनी को सोलोमन ने बेचा है सोलोमन खुद उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है और उसके जो तो दो बेटे हैं वो डायरेक्टर हैं Soon into, ran into and the a अब में चली गई फाइनेंशियल बोटल नेक्स क्रिएट हो गए उन फाइनेंशियल बोटल नेक्स के चलते क्रेडिटर्स ने कोर्ट में केस पिटिशन फाइल कर दिया आगे की कहानी क्या हुई हम ध्यान से सुनेंगे आप ये इस पेज का लास्ट पैराग्राफ है इसको पढ़िए कंपनी सून रन इनटू डिफिकल्टीज एंड द डिवेंचर होल्डर्स अपॉइंटेड रिसीवर एंड द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी अमाउंटेड टू रुपीज अब जो बैलेंस शीट बनी ठीक है बेटा अब जो बैलेंस शीट जो लास्ट में जो बैलेंस शीट बनी उस बैलेंस शीट को जरा आप देखिए उस बैलेंस शीट में जो एसेट्स नजर आ रहे हैं वो हैं छ सात सौ पचास और कैपिटल यहाँ कैपिटल नजर आ रही है कंपनी की शेयर कैपिटल और यहाँ डेप्ट नजर आ रहे हैं ठीक है थीके? अब जो डेप्ट है इसमें सिक्योर्ड है और अनसिक्योर्ड है सिक्योर डेप्ट है टेन थाउजेंड के और अनसिक्योर्ड डेप्ट है आप पैराग्राफ को अच्छे से लास्ट में पढ़िए शाबाश आठ हज़ार के इसमें